मकान भले ही ईंट और पत्थर से बनता हो पर एक घर रिश्तों से बनता है। क्या बात है, आज के दौर में भी जॉइंट फैमिलीज मौजूद हैं। देखकर अच्छा लगा कि आपने सिर्फ अपने दो बेटों को ही परिवार का हिस्सा बताया, लेकिन अपने छोटे बेटे के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा आपने। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं विजय थालापति की मूवी बारिशों के बारे में। तो दोस्तों, बारिशों मूवी देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, चलिए बताते हैं। इस मूवी की कहानी के बारे में बताएं तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का होता है जो अपनी आजादी से पूरे घर से कनेक्ट नहीं हो पाता। तो वो कहीं ना कहीं कुछ इंसिडेंट होता है उसके परिवार में, उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली को और बिजनेस को दोनों को उसको संभालना होता है। ये मूवी एक फैमिली के इर्द गिर्द घूमती हुई देखने को मिलने वाली है। इस मूवी का स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही एवरेज है और जो एक्टर की एक्टिंग थी वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं थी। अगर हम किसी भी मूवी में कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते तो वो कहानी इंगेज ऑडियंस को नहीं करती और वो इस मूवी में कमी खली है। ये मूवी ऑडियंस को बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं कर पाती। जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने हमें इस मूवी को दिखाने की कोशिश की है उस तरह से वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो दोस्तों, वारिस मूवी आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर